हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू फ्रेंड्स। आज जो मैं देख रही हूँ, ये गाजर का जूस है। तो गाजर का जूस से मैं ब्रेकफास्ट में ऐड किया है। ब्रेकफास्ट के साथ मेरी मौसी ने बना दिया है गाजर का जूस। तो मैं ऐसे विंटर सीजन में गाजर का जूस पीती हूँ। तो गाजर का जूस स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप भी गाजर का जूस ऐड कर लीजिए आपके ब्रेकफास्ट के साथ, तो अच्छा होगा। क्योंकि गाजर का जूस में बहुत न्यूट्रिशन मिलती है और विटामिन ए, कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो जो ग्रोइंग अप चाइल्ड है ना, चाइल्ड के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये तो विटामिन ए आँखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जो स्किन भी ग्रोइंग करता है। तो ठंडा के मौसम में स्किन ख़राब हो जाते हैं, सूखापन आ जाते हैं, तो सूखापन नहीं होते हैं। गाजर के जूस से आप फेस मास्क में लगा कर यूज़ कर सकते हो। जो मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा गाजर का जूस मिलाकर भी यूज़ कर सकते हो, तो स्किन बहुत ग्लोइंग करते हैं। और ऐसे भी पी सकते हो गाजर का जूस, तो स्किन और भी ग्लोइंग करता है और स्किन आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ, जो ये सीजनेबल वेजिटेबल है तो आप ऐड कर लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में आप सलाद खाइए, पानी पीजिए और गाजर का जूस भी पिए। तो अभी हमारा शरीर के अंदर, स्किन के अंदर पानी का कमी दिखाई जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा जूस लेने से बहुत अच्छा होते हैं स्किन के लिए भी, स्किन हेल्दी रहते हैं और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं। तो अंदर से अगर ठीक रहोगे तो बाहर भी स्किन भी ग्रोइंग करता है। तो फ्रेंड्स, आज से पीना शुरू कर दो गाजर का जूस। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, कमेंट करना, और कोई भी कोई क्वेरीज हो तो कमेंट करना। और अगर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। Thank you so much, friend. Bye.